नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के समानांतर श्रेणी के दूसरे सत्र में भाग लेने आए हैं। आज हम लोग एपी के एनुआ पद का सूत्र ज्ञात करने के तरीके को सीखेंगे और इस पर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को सीखेंगे। आइए कैसे एपी का एनुआ पद ज्ञात करते हैं। पहले एपी का पहला पद मान लेते हैं कि वो ए है, उसका सार्वंतर डी है और पदों की संख्या एन है, तो हमें एनुआ पद ज्ञात करनी है। तो एपी का एनुआ पद, प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, पहला पद ए है, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए सार्वंतर को जोड़ देते हैं ए प्लस डी, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस डी में फिर डी जोड़ देते हैं ए प्लस टू डी। पहला पद ए, एक को हम लिख सकते हैं एक माइनस एक, एक माइनस एक चला गया तो जीरो डी, ए दो में से एक गया तो एक डी, ए तीन में से एक गया तो दो डी, डॉट डॉट एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एपी का एनवा पद मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एपी के एनवा पद का सूत्र हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए साथियों, ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि एपी के एनवा पद का सूत्र यही है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें ए पहला पद है और डी सार्वंतर है। एग्जाम्पल तीन है, एक एपी है, वो दिया हुआ है 2712 का दसवां पद क्या होगा, जो सबसे पहले आता है उसको प्रथम पद कहते हैं, यानी ए से डिनोट करते हैं। डी दूसरे पद में पहला पद घटा दिए, सात में दो घटा दिए तो पांच हो गया, डी इसका पांच हो गया, सार्वंतर पांच, ए टेन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आप यहां एन का सूत्र लिख सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां एन टेन है तो ए टेन का मान आपको निकालना है, इसलिए ए टेन बराबर ए प्लस टेन में से वन चला गया तो नाइन हो गया, नाइन डी ए प्लस नाइन डी, ए का मान दो भरे नाइन, डी का मान पांच है, दो प्लस नौ पचे पैतालीस, जुट के हो गया सैतालीस। इसका दसवां पद साथियों सैतालीस होगा। एग्जाम्पल फोर कहता है एक एपी है 21-18-15 का कौन सा पद माइनस 81 होगा, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, अपने उत्तर का कारण देना है। तो साथियों इस एपी का पहला पद क्या हुआ 21, सार्वंतर दूसरा में पहला पद घटाएंगे 18 में से 21 गया माइनस 3, एन मान लेते हैं कि माइनस 81 एनुआ पद है तो एन बराबर माइनस 81, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस 81, ए का मान 21 हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान माइनस 3 हो गया बराबर माइनस 81, एन माइनस 3 एन माइनस वन गुने माइनस 3 माइनस 81 माइनस 21 बराबर हो गया माइनस 102, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया 34 या 102 होता है, एक इधर है इधर जुट जाएगा 34 प्लस एक कितना हो गया 35, एन का मान 35 हो गया, अतः इसका 35वां पद माइनस 81 होगा। साथियों फिर एक क्वेश्चन और कहता है कौन सा पद शून्य होगा, मान लेते हैं कि एनवा पद शून्य होगा, ए एनवा का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अभी आपने सीखा है, ए का मान 21 है, एन माइनस वन डी का मान माइनस 3 है, इसे कैश को धर लेंगे तो जीरो में से कैश गया तो माइनस 21 हो गया, एन माइनस 3 माइनस 21 बटे माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल हो गया 7 या 21, एन का मान माइनस 1 इधर है उधर ट्रांसफर करेंगे
तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 7+1 हो जाएगा 8, यानी इसका आठवां पद शून्य होगा। इस एपी का 35वां पद -81 है और आठवां पद शून्य है। एग्जाम्पल्स 5, एपी निर्धारित करना है जिसका तीसरा पद 5 है, सातवां पद 9 है। तीसरा पद 5 का मतलब हो गया, तीसरा पद का सूत्र a+2d = 5 हो गया, इसे समीकरण फर्स्ट कह दिए। a+6d = 9, इसे समीकरण सेकंड कह दिए। सेकंड में फर्स्ट घटा दिए तो a कैंसिल हो गया, और 6d में 2d घट गया तो 4d हो गया, 9 में से 5 घट गया तो 4 हो गया, 4 कैंसिल हो गया, d का मान 1 हो गया। d का मान 1 समीकरण फर्स्ट में भर दीजिए, a2+2×1 2 होता है = 5, यानी a बराबर हो गया 3। अतः एपी का पहला पद हो गया 3, d है 1 तो जोड़ देंगे तो दूसरा पद हो जाएगा 4, तीसरा पद 5, चौथा पद 6, .. इस तरह से एपी का निर्माण हुआ साथियों। एग्जाम्पल 6 है, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्या, आपसे पूछ रहा है, आपसे एक प्रश्न कर रहा है, क्या इसका कोई पद 301 है, दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। साथियों जवाब देने के लिए अभी हम सर्च कर रहे हैं, ए का मान मेरे पास 5 है, डी का मान 11 में से 5 गया तो 6 है। मान लेते हैं कि एनवा पद 301 है, माना an = 301, यदि n का मान एक धन पूर्णांक आ गया तो जो पूर्णांक आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, वही पद इसका 301 होगा। अगर एक n का मान धन पूर्णांक ना आकर ऋण पूर्णांक या भिन्न में आ गया तो इसका कोई भी पद 301 नहीं होगा। साथियों an का फॉर्मूला लगाया, a+n-1×d = 301, a का मान 5 भर दिया, n-1×6 = 301, 5 को ट्रांसफर कर दिया दूसरी तरफ, 301 में 5 घटा दिया 296 हो गया, 6×6 तो 6 से भाग कर दिया तो 148/3 हो गया। n बराबर इस एक को उधर ट्रांसफर कर दिया, 148/3+1 जोड़ेंगे तो 148+3 = 151 हो जाएगा, / 3 50.1/3 होगा, यानी इसका कोई भी पद 301 नहीं है। इसे धन पूर्णांक में आना चाहिए, पूरे पूर्णांक में आना चाहिए, इसका कोई भी पद 301 नहीं है। एग्जाम्पल 7, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, a = 12, d = 3, an = 29, an = a+n-1×d 99 = 12 + n-1×3, 99 से 12 घट गया तो 87/3 = 29, 29 = n-1, n = 29+1 = 30, n का मान जो है 30 हो गया। अतः यह 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 30 है। 2 अंकों की 30 संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य होती है। साथियों 12 क्यों लिया, तो 10 जो होती है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है, 10 के बाद 11 3 से नहीं कटेगा, 12 3 से कटता है, तो 1 का मान हो गया 12। अब हर 3 अंक 3 जोड़ते जाएंगे 3 से कटने वाली संख्या हो जाएगी, 100 जो है 3 अंक की संख्या है। 2 अंक वाली संख्या लेना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 99 जो है 3 से कट जा रहा है तो an 99 लिए थे। इस तरह से n का मान आपको 30 आ गया, अतः 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 30 हो गई। एग्जाम्पल्स 8 है, एक एपी दे दिया, 10, 7, 4 - 62 का अंतिम पद प्रथम पद की अपेक्षा की ओर
पद ज्ञात करना है, यानी अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो साथियों ये इधर से जाते हैं तो ये पहला पद है, सात में 10 घट गया तो -3, सार्वंतर -3 हो जाएगा। अगर हम उधर से लौट के आते हैं, अंतिम से लौट के आते हैं और अंतिम पद को ही पहला पद मान लें, तो सार्वंतर जाने वक्त अगर निगेटिव थी तो आने वक्त पॉजिटिव हो जाएगी, और जाने वक्त अगर पॉजिटिव रहे तो लौटने वक्त निगेटिव होगी। तो जाने वक्त निगेटिव में थी -3, तो आने वक्त हो जाएगी +3। A11 ज्ञात करना है, A11 बराबर A+10D होता है, 11 में से 1 चला गया तो 10D, A का मान -62 है, 10 × 3 = 30 हो गया, -62 + 30 - 32 हो गया, अतः इसका अंतिम से 11वां पद -32 होगा। इस एपी के अंतिम से 11वां पद -32 होगा। साथियों इसे बनाने का सबसे शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड हुआ। साथियों हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वेरी इजी वे से मिलेगा और मुफ्त में मिलेगा। साथियों ध्यान से पढ़िए और जीवन में आगे बढ़िए, यही हमारी शुभकामना है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या यह ब्याज एक एपी में बनाते हैं? यदि ऐसा है तो ऐसे तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। साथियों साधारण ब्याज की बात यहां की जा रही है, 1000 रुपया इसका मूलधन है, 8% दर है, तो प्रथम वर्ष के अंत में SI हो जाएगा PRT/100, 1000 × 8 × 1/100 यानी 80 रुपया, दूसरे वर्ष के अंत में हो जाएगा 80 × 2 = 160 रुपया, और तीसरे वर्ष के अंत में हो जाएगा 80 × 3 = 240 रुपया, यानी 80, 160, 240 एपी में। अब इसका 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद का मतलब हो गया A+29B, 30 - 1 = 29 हो गया, A का मान 80 है +29 और D का मान इसमें दिया हुआ है 80। अब इस दोनों में 80 कॉमन निकाल लेते हैं तो 1+29 हो जाएगा, 1+29 = 30 होता है, तो 80 × 30 = 2400 रुपया, यानी 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 रुपया होगा। साथियों यहां पर आप 29 को 80 से गुना करके भी 80 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना, तो 2400 रुपया 30 वर्षों के अंत में ब्याज हो गया 2400 रुपया। Example 10 है, क्यारियों की पहली पंक्ति में 23 गुलाब, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 है, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी A का मान 23 हो गया, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद 21 - 23 - 2 हो गया, अंतिम पद यानी एन बराबर हो गया 5। एन बराबर आपने पढ़ा है A+(n-1)(d) = 5, ए का मान 23 है, n-1 × -2 = 5। अब आप इस 23 को उधर ट्रांसफर कर दिए, 5 - 23 - 18 हो जाएगा, गुणे 2 में है इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा 9, यानी n का मान जो है वो हो जाएगा 9 + 1 = 10, अतः इसमें पंक्तियों की कुल संख्या 10 हुई। साथियों उसके बाद ये एग्जांपल्स खत्म होता है, एक्सरसाइज 5.2 शुरू होता है। 5.2 का पहला प्रश्न है कि A का मान आपको दिया है 7, D का मान दिया है 3, N का मान 8 है और N का मान क्या होगा आपसे पूछता है।
साथियों ए एन बराबर आपने पढ़ा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए का मान सात भर दिए सात और एन का मान आठ, आठ माइनस एक सात हो गया, गुने तीन सात या इक्कीस हो गया, सात प्लस इक्कीस बराबर हो गया अट्ठाईस। तो ए एन का मान हो गया आठ अट्ठाईस, सात प्लस इक्कीस बराबर होता है अट्ठाईस, यानी इसका एनवा पद हो गया अट्ठाईस। साथियों दूसरा है इसका पहला पद माइनस अठारह है, एन का मान दस है, एन जीरो है, इसका सार्वंतर क्या होगा निकालना है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान कहता है जीरो है, ए का मान माइनस अठारह है, एन माइनस वन दस माइनस वन हो गया नौ डी, नौ डी बराबर ये माइनस अठारह को उधर ले आएंगे तो प्लस अठारह हो जाएगा, नौ से अठारह को काट देंगे दो मरते कट जाएगा, यानी डी का मान आ गया दो, इसका सार्वंतर दो हुआ। साथियों तीसरे नंबर क्वेश्चन में ए का मान दो है, डी का मान माइनस तीन है, एन का मान अठारह है, एन का मान माइनस पांच है, ए का मान हमें ज्ञात करना है। ए इज क्वेश्चन मान, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। साथियों एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, एन का मान माइनस पांच लिख दिए, ए का मान ज्ञात करना तो ए ही रहने दिए, एन का मान अठारह है तो अठारह में से एक गया तो सत्रह हो गया, डी का मान माइनस तीन, इसको इधर भेज दिए साथियों, माइनस पांच सत्रह किया इक्यावन, माइनस इक्यावन है इधर आएगा तो प्लस इक्यावन हो जाएगा बराबर ए, इक्यावन में से पांच घट गया तो छियालीस हो गया, यानी ए का मान छियालीस हो गया। साथियों चौथा नंबर प्रश्न में है, ए का मान दिया है माइनस 18.9, डी का मान दिया है 2.5, एन इज क्वेश्चन मार्क, एन इज इक्वल टू 3.6, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान 3.6 है, ए का मान माइनस 18.9 है, एन माइनस वन इंटू 2.5 है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 ये होता है 22.5, ये एन 2.5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड कर देंगे साथियों, ये दशमलव दशमलव खत्म कर दीजिए तो 225 में 25 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। अब माइनस वन है इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा 10, यानी एन का जो वैल्यू है यहां पर 10 हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन में ए का मान दिया है, डी जीरो है, एन 105 है, एन ज्ञात करना है, दिस इज ए क्वेश्चन मार्क, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का मान 3.5, एन का मान 105, 105 में से ज्ञात 104 हो जाएगा, डी का मान जीरो है, अब जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो 3.5 इंटू जीरो बराबर 3.5 ही रहेगा, इसलिए इसका एनवा पद 3.5 ही रहेगा। अब आइए साथियों क्वेश्चन नंबर दो पर, दो का पहला क्वेश्चन है, एक एपी है 10, 7, 4 डॉट डॉट, तीसवा पद इसका क्या होगा ये ज्ञात करना है, ये चार को च्वाइस भी दिया है इसमें, तो ए 30 बराबर हो जाएगा ए प्लस 29 डी, 30 वन 30 में से वन गया 29 डी, ए का मान यहां 10 है 29, डी का मान सात में से दस गया तो माइनस तीन हो जाएगा, 29 किया 87, 10 में 87 घटेगा तो माइनस 77, जो कि इसका उत्तर सी है, इसका साथ उत्तर सी हुआ। साथ में सेकेंड नंबर, ये भी मल्टीपल चॉइस है, एपी दिया है माइनस तीन, दूसरा पद है माइनस एक बटे दो, तीसरा पद दो है, इसका 11वां पद बताना है, ए माइनस तीन हो गया, डी माइनस एक बटे दो माइनस माइनस तीन तो प्लस तीन हो जाएगा, एलसीएम दो लेंगे तो माइनस एक प्लस छह पांच बटे दो हो जाएगा, ए 11 बराबर होता है ए प्लस 10 डी, 11 में से गया तो 10 हो गया 10 डी, ए का मान हो गया माइनस तीन, 10 डी का मान हो गया पांच बटे दो, पांच दुनी 10, माइनस तीन प्लस 25, 25 में से तीन घट गया तो 22। साथियों इसमें 22 कौन सा है, चॉइस नंबर बी है, इसका सही उत्तर बी हुआ। साथियों अभी आपने इस वीडियो में
एपी के एनमापद सूत्र याद करने के लिए सीखा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बनाए और एक्सरसाइज के पहला और दूसरा क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन सीखा। अगले सत्र में इसके अगले क्वेश्चन से आगे तक का सॉल्यूशन सीखेंगे सेशन 3 में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।